टाइटल दिया फुल्लां दी बरखा। मैं दिल की गहराइयों से रितिका कक्कड़ जो हमारी बेटी है मुबारकबाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि उनकी ये आवाज़ देश सुने, दुनिया सुने, ये ऊंचाइयों के शिखर तक जाएं। मैं इस बात की भी इनको मुबारक दूंगा और बधाई दूंगा कि पंजाब में जाकर इन्होंने वहाँ पर एक बड़ा कंपटीशन जीता और पंजाब के अंदर जाकर जम्मू का जो है नाम जो है इन्होंने बनाया। आज नवरात्रे हैं, नवरात्रों की भी मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। एक बड़ा कार्यक्रम जो है हमने इनके लिए रखा हुआ था, 15 दिन पहले इन्होंने मेरे से टाइम लिया था, लेकिन चूंकि कोरोना जो है वो इस समय तेज़ी से चल रहा है इसलिए हमने इस बिल्कुल छोटा करते हुए 6-7 लोग ही यहाँ पर हमने इनके इस गाने को, गीत को जो है वो रिलीज़ किया है। मैं ये कहना चाहूँगा आज के दिन कि इस कोरोना की महामारी के अंदर हम सबको मिल के लड़ाई लड़नी है। हम मास्क पहनें, हम बार बार हाथ धोएं, हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें और कोशिश करेंगे कि अननेसेसरली हम घर से बाहर ना निकलें और इसके अंदर राजनीति भी ना हम करें और मिलकर हम इस कोरोना से लड़ेंगे। जम्मू के युवाओं के अंदर एक बड़ा टैलेंट है और वो टैलेंट जो है उसको उभारने की ज़रूरत है। आज हमारे जम्मू के युवा जो हैं बॉलीवुड के अंदर भी जाकर वो आज जो है वो सिनेमा के अंदर भी जो है वो काम कर रहे हैं, बड़े बड़े सिंगर्स जो हैं बन रहे हैं और उसी तर्ज के ऊपर नेहा कक्कड़ जो है वो आगे निकल रही है। चूँकि इससे विशेष प्यार इसलिए है कि इनकी जो माता जी हैं वो राजौरी से हैं, इसलिए मैंने इनकी इस बात को लेकर आज मैं ना नहीं कर सका और इनकी इसके रिलीज़ के लिए हम यहाँ पर आए हैं। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से नितिका कक्कड़ उनकी पूरे परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ और उनके जिन्होंने इस डायरेक्टर हैं जो इसके जिन्होंने इनको प्रमोट किया है, जिन्होंने ये गाने में वो सारे साथी जिन्होंने इस गाने की में बड़ी मेहनत की है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और उनको भी शुभकामनाएँ देता हूँ। सर रिलीज करो।